1 जनवरी 2008 को रामपुर में सीआरपीएफ के कैंप पर AK-47 से अटैक हुआ था, याद है सबको? और आपको याद है कि उसमें 7 सीआरपीएफ के जवान मारे गए, याद है सबको? एक रिक्शा वाला भी मारा गया था। लगभग इन सारी चीजों में बाद में लश्कर-ए-तौयबा का हाथ पाया गया, शहाबुद्दीन और उसके साथी अरेस्ट हुए थे और उसमें 15 केसेस उनके ऊपर लादे गए थे। क्या ये सच्चाई नहीं है कि बतौर मुख्यमंत्री आतंकवादियों के केस को ड्रॉप करने का काम अखिलेश जी ने किया था? ये सच है कि नहीं है? अब आप बताइए कि कोई मुख्यमंत्री क्या शपथ लेता है? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, उसको अक्षुण रखूंगा। और एक आतंकवादी का जिसने सीआरपीएफ के 7 जवान मारे गए, एक गरीब रिक्शा वाला मारा गया, लोग पकड़ में आ गए और उनको छुड़ाने का काम, केस ड्रॉप करने का काम अगर रक्षक भक्षक बन जाए तो उत्तर प्रदेश का क्या हुआ होगा? ये याद रखना चाहिए और मैं याद दिलाने आया हूं आपको। देखिए, आप लोग कहते हैं कि चावल के एक कण से पता चल जाता है कि क्या चावल की किस्म है, तो नेता की भी एक हरकत से पता चल जाता है कि नेता कैसा है। ये छोटी घटना नहीं है, आतंकवादियों को छोड़ने की हिम्मत करना। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस केस को, उस ऑर्डर को क्वेश किया और उसमें से फिर केस चला और केस चलने के बाद उसमें लोगों को सजा हुई, सजाए मौत भी हुई और आजीवन कारावास भी। आपके ध्यान में है ना कि हमारे विरोधी कुछ लोग पर्चा जेल से भर रहे हैं, देखा है ना? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये दोस्तियां हैं, पुरानी दोस्तियां हैं। समाज क्या मंजूरी है कि आज इनको उन्होंने कैरियर बताया, क्या मंजूरी है? तो वो शोले फिल्म का गाना आता, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ पाए क्योंकि बुरा का साथ बुरे से होता है तो छूटता नहीं, वो झकड़ लेता है, वो पकड़ लेता है। आधे जेल से लड़ रहे हैं, आधे जेल पर लड़ रहे हैं। क्या है ये, क्या चल रहा है? और आज बड़ी बड़ी बातें करेंगे,